देखिए, आगरा का जूता पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है और हमेशा डिमांड में भी बना रहता है। आगरा जूता निर्माण का बड़ा केंद्र है और लाखों लोग जूता उद्योग से जुड़े हुए हैं। मगर जब से सरकार ने जूते पर जीएसटी दर 12% की है, तभी से शू एक्सपोर्टर्स परेशान है और उनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन कर ये मांग की जा रही है कि जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% किया जाए। और इसी मांग को लेकर आगरा के जूता उद्योग से जुड़े लोगों ने एक विशाल महासभा का आयोजन किया, जिसमें करीब 12 प्रांतों के शू एक्सपोर्टर्स इकट्ठे हुए और जीएसटी स्लैब में बदलाव की मांग रखी। साथ ही मांग न मानने पर सड़क से संसद तक आंदोलन की बात भी कही है। द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के तत्वाधान में आज एक बड़ी सभा आगरा में की जा रही है। जूता व्यापारियों की मांग है कि जो जीएसटी दर है वो 12% से 5% की जाए, और यही वजह है कि तमाम प्रांतों से तमाम जूता व्यापारी जो है वो आज आगरा में एकत्रित हुए एक महासभा का आयोजन कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो जूता उद्योगपति हैं, कारीगर हैं, वो सब यहां पर मौजूद हैं। और द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के नाम से इन्होंने एक विशाल यहां अखिल भारतीय जूता संघ की महासभा की है, और महासभा के द्वारा ये अपनी मांग कर रहे हैं कि 12% से लेकर घटकर 5% इस जीएसटी को किया जाए। तमाम बार केंद्र में भी मांग रखी, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई और लगातार ये आंदोलन जारी है। विजय जी हमारे साथ हैं। विजय जी, ये बताइए इस प्रकार की आपकी मांग है, जो जीएसटी की बात कर रहे हैं आप 12% आज द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन एवल पूरे देश भर के अखिल भारतीय जूता संघ द्वारा संयुक्त रूप से एक महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी एक ही मांग है कि जो जूते पे 12% कर है उसको कम किया जाए, वापस 5% रोल बैक होना चाहिए। और हमारे से छलावा हुआ, हम सबको वादा किया गया था कि जो कपड़े पे टैक्स लगेगा वही जूते पे लगेगा, हमारे को धोखा दिया और जूते पे 12% लग गया और कपड़े पे 5%। क्या आगरा वालों का बस ये दोष है कि आगरा गुजरात का हिस्सा नहीं है? आज जो यहाँ पर महासभा की जा रही है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और क्या किन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है? आज जो ये महासभा हो रही है, इसमें अखिल भारतीय जूता समाज से, दिल्ली से, कानपुर से, जयपुर से, तमिलनाडु से, सभी प्रदेशों से प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो कि हमारा इस विरोध में समर्थन कर रहे हैं। अभी फिलहाल उनकी सिर्फ एक मांग है कि जो 12% जूते पर जीएसटी लगा है उसको 5% किया जाए, ताकि जूता उद्योग दोबारा से अपनी उसी खूबसूरत तस्वीर में वापस आ सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो जूता उद्योग खत्म होता जा रहा है, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। ब्रिटिश जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ 17 प्रदेश।